हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से 11 अक्टूबर 2021 के लिए EBS की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 90B क्लास 4 के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जब कभी भी मनोरंजन की बात आती है तब हम सभी के मन में खेलने का विचार ज़रूर आता है। अगर मैं आपके सामने एक शब्द बोलती हूँ मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट, तो उस टाइम पे आप लोगों के मन में ज़रूर खेलने का विचार तो आता ही है। क्या आप जानते हैं कि खेल खेलने से मनोरंजन के साथ साथ हमारे शरीर का शारीरिक यानी कि फिजिकल एवं मानसिक यानी कि मेंटल विकास भी होता है। तो क्या आपको पता है कि जब हम खेल खेलते हैं तो उस वक्त हमारे मनोरंजन तो होता ही है, उसके साथ साथ जो हमारा शरीर होता है उसका शारीरिक यानी कि फिजिकल और मानसिक यानी कि मेंटल विकास भी होता है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में TV या समाचारों के माध्यम से सुना एवं जाना है? तो आपने जब TV या समाचार में के माध्यम से ज़रूर विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उनके बारे में सुना होगा या उनके बारे में जाना होगा। तो चलिए आज हम खेलों और उनके उपकरणों यानी कि स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो आज हम भी क्या है कुछ खेल और उनमें जो यूज़ होने वाले उपकरण यानी कि इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। पहला देखते हैं बच्चों, चित्रों की सहायता से आपको कुछ खेल नीचे दर्शाए गए हैं। तो ये हमें कुछ खेल दर्शाए गए हैं चित्रों की मदद से, इन्हें पहचानकर इनके नाम आप अपनी कॉपी में लिखें। तो आपको इनके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो जैसे नंबर 1 पे क्या है, ये खेला जा रहा है टेबल टेनिस, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये क्या है, ये है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। तीसरे नंबर पर ये क्या है, ये है बैडमिंटन। तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ, पहले नंबर पे आप टेबल टेनिस लिख लेना, दूसरे नंबर वाला गेम बास्केटबॉल, तीसरे नंबर के लिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। तो तीसरे नंबर पे ये क्या है, ये है बैडमिंटन, ठीक है। चौथे नंबर पर फिर क्या है, ये हॉकी। और पाँचवें नंबर पर ये क्या खेल रहे हैं सभी बच्चे, खो खो। तो इसी तरीके से ये दोनों और ये बैडमिंटन, हॉकी और खो खो, ये इस तरीके से आप क्रम संख्या इसी में 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, जिन चीज़ों द्वारा कोई खेल खेला चाहता है वो सभी चीज़ें खेल के उपकरण यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कहलाती हैं। तो जिन चीज़ों से हम कोई भी खेल खेलते हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं खेल के उपकरण यानी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। नीचे दिए गए खेलों का उनके उपकरणों से मिलान करके अपनी कॉपी में लिखें। तो नीचे हमें इस तरफ कुछ खेल दिए हुए हैं और इनका हमें क्या करना है, इनके जो उपकरण हैं ये खेलों के नाम हैं और इनमें जो यूज़ होने वाले उपकरण हैं ये वो ये सारे दिए हुए हैं, तो इनका आपस में हमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, पहला है देखिए हमारे पास आइस हॉकी, ठीक है। अब आइस हॉकी के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, एक तो हॉकी चाहिए होती है, फिर ये जो इसमें स्केट्स पहनते हैं हम बर्फ़ पर चलने के लिए, ये तो ये हो जाएगा हमारा आइस हॉकी। अब आती है मुक्केबाजी, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में हमें पता ही है आपको ग्लव्स पहनते हैं, ये बॉक्सिंग रिंग होती है, तो हमारा ये थर्ड वाला इससे मैच हो जाएगा। फिर आती है हमारी तीरंदाजी यानी कि आर्चरी। अब आर्चरी में क्या होता है, हमें धनुष और उस बाण की आवश्यकता होती है यानी कि तीर की और उस जो बाण होता है उसकी, धनुष की, उसकी आवश्यकता होती है, तो हमारा ये फर्स्ट वाला जो है इससे मैच हो जाएगा। अब क्रिकेट है, क्रिकेट में हमें पता है बैट की ज़रूरत होती है, बॉल विकेट्स होती है हमारे पास, तो ये हो जाएगा इससे मैच। फिर आता है हमारा वॉलीबॉल, अब वॉलीबॉल में हमें वॉलीबॉल की ज़रूरत है और साथ में नेट की ज़रूरत है, तो ये हो गया इससे मैच। और बैडमिंटन, बैडमिंटन में हमें रैकेट चाहिए होता है और ये शटल कॉक चाहिए होती है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे खेल और इनके उपकरणों को हमने मैच कर लिया। अब एक एक्टिविटी रहेगी कि आपकी रुचि जिस खेल में है उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। तो जिस जो भी खेल आपको पसंद है उसका चित्र आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कीजिए। आप बच्चों के साथ जो भारत के फेमस खिलाड़ी हैं किसी भी खेल से रिलेटेड उनके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।